सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर? यो फैक्ट है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू को यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। ये बता, why do you want to be an IAS? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूक गया है। You fact है। आप पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। सपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहा। दुनिया के काम तो आ रहा हूं पर एक दूरी में फंस गया। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शन लेस है। साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं था। बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि देश के काम तो आ रहे हैं पर गर्व करने वाला कोई नहीं। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे यार मूड ऑफ था क्योंकि मैं रोज यार एक रूटीन फॉलो करता हूं। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो। दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। पावर से बल्ब भी जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी सो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर उठूंगा ही। तो क्या किया तुमने? अपनी प्रॉब्लम्स को ढेर बना दिया और ढेर सीधा ईगो से कनेक्टेड। और ईगो के नुकसान बहुत है पर एक फायदा है, इसे ड्यूरेबल रखना। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। प्लान बी फॉर लूजर्स, ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है प्लान बी का क्या मतलब होता है। साढ़ा एक नंबर पूरा साल ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल।